प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। प्रस्तुत है 7 जून 2021 की बाइबल पाठ। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 1-7 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, प्रभु हमको सांत्वना देता रहता है जिससे हम दूसरों को भी उनकी तकलीफ में सांत्वना देने के लिए समर्थ हो जाएं। कुरिन्थ में ईश्वर की कलिसिया तथा समस्त अखाइया में रहने वाले सभी संतों के नाम पौलुस, जो ईश्वर द्वारा यीशु मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है, और भाई तिमथी का पत्र, हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता, परम दयालु पिता और हर प्रकार की सांत्वना का ईश्वर। वह हमारी सारी दुख तकलीफ में हमको सांत्वना देता रहता है जिससे ईश्वर की ओर से हमें जो सांत्वना मिलती है उसी के द्वारा हम दूसरों को भी उनकी हर प्रकार की तकलीफ में सांत्वना देने के लिए समर्थ हो जाएं। क्योंकि जिस प्रकार हम प्रचुर मात्रा में मसीह के दुख भोग के सहभागी हैं, उसी प्रकार मसीह द्वारा हमको प्रचुर मात्रा में सांत्वना भी मिलती है। यदि हमें दुख भोगना पड़ता है तो आप लोगों को सांत्वना और मुक्ति के लिए, और यदि हमें सांत्वना मिलती है तो इसलिए कि हम आप लोगों को सांत्वना दे सकें जिससे आप धैर्य के साथ वह दुख सहने में समर्थ हों जिसे हम भोगते हैं। आप लोगों के विषय में हमारी आशा सुदृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस प्रकार आप हमारे दुख के भागी हैं उसी प्रकार आप हमारी सांत्वना के भी भागी हो जाएंगे। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5:1 पद संख्याएं 1-12 तक से लिया गया है। यीशु यह विशाल जन समूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वह यह कहकर उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जो जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं, खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी वे इसी तरह अत्याचार किया करते थे। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज के सुसमाचार पाठ में पर्वत प्रवचन के बारे में सुने।
जिसे आशीर्वचन के नाम से जाना जाता है। यीशु का पर्वत प्रवचन अर्थात आशीर्वचन जीवन का दर्शन है। इसे जीकर अनंत जीवन के सहभागी बनते हैं। दीनहीन, नम्र, शोकित, धार्मिकता के भूखे प्यासे, दयालु, हृदय के निर्मल, मेल मिलाप करने वाले और धर्म के कारण अत्याचार सहने वाले ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। इन गुणों को धारण कर हम एक अच्छे ख्रिस्तीय बन सकते हैं। घृणा को प्रेम से जीता जा सकता है। संसार में व्याप्त बुराइयों की जड़ मनुष्य का अहंकार और स्वार्थ का जीवन है। धन और पद की लालसा उसे कुंठित बना देती है, अतः इनका परित्याग करना आवश्यक है। मानव का जीवन क्षणभंगुर है। जीवन की परिपूर्णता इसमें है कि वह दूसरों के लिए जिए, आत्मत्याग के रास्ते पर चलकर दूसरों की सेवा करे। जीवन का मार्ग फूल और कांटों से भरा हुआ है। सच्ची खुशी और शांति दूसरों के दुख दर्द में सहभागी होने से प्राप्त होती है। ईसा का जीवन हम सभी के लिए समर्पित था। उन्होंने अपने आशीर्वचन से हम सबको बुद्धि प्रदान की। प्यारे भाइयों एवं बहनों, धन्य आशीर्वचन बाइबल का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इस प्रवचन से बहुत सारे ज्ञानी भी आकर्षित हो गए एवं अपना जीवन परिवर्तन कर लिए, जैसे भारत में गांधी जी, जो अपने जीवन का उद्देश्य खो चुके हैं। यह उन्हें नई राह दिखाता है। जो कष्ट सह रहे हैं उन्हें मजबूत करता एवं बल देता है। जो अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाते हैं उन्हें सांत्वना देता है। ये आशीर्वचन हमें अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। सच्चा जीवन देने वाला, साथ ही साथ हमारा मार्गदर्शन करता है। यह आंतरिक एवं आध्यात्मिक खुशी देता है। इस प्रकार दीनहीन के लिए स्वर्ग राज्य का आश्वासन, नम्र लोगों के लिए प्रतिज्ञात देश, शोक करने वालों के लिए सांत्वना, निर्मल हृदय वालों के लिए ईश्वर के दर्शन, मेल मिलाप कराने वालों के लिए ईश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाने का अधिकार प्रभु आज हमें देते हैं। प्यारे मसीह विश्वासियों, संत मती अक्सर ईसा को नबी मूसा के साथ तुलना करते हैं, जिन्होंने प्राचीन इसराइलियों को सीनाय पर्वत पर पुरानी संहिता दी थी। यीशु नवीन इसराइलियों को पर्वत पर नई संहिता देते हैं। इन आशीर्वचनों में यीशु नए नियमों को नहीं देते हैं, ये पुराने संहिता से भिन्न नहीं है। यीशु पुराने नियमों को समाप्त करने के लिए नहीं बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए आए हैं। यीशु मसीह को संत मती एक सुधारक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो मूसा के नियमों को गहराई देते हैं, नियमों को सही और नए अर्थ देते हैं और इन नियमों के अनुसार जीना सिखाते हैं। यीशु के समकालीन यहूदी नेता मूसा के पंच ग्रंथ को धर्म का आधार मानते थे। उसको लेकर कई छोटे छोटे नियम बनाए गए थे, जिसके अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए लोगों को मजबूर करते थे। ऐसा करते समय वे नियमों की प्रवृत्ति को ध्यान में नहीं रखते थे, जो ईश्वर और पड़ोसियों से प्रेम करने के लिए सिखलाता है। न्याय, अनुकंपा और विश्वास जैसे नियमों के पहलुओं की उपेक्षा की जाती थी। इसलिए यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं,
कि उनकी धार्मिकता यहूदी धर्म गुरुओं की धार्मिकता से भी अधिक होनी चाहिए। प्यारे भाइयों बहनों, पहला आशीर्वचन पुराने नियम के आधार पर प्राचीन कलिसिया की मान्यता थी कि गरीबों की देखभाल करना ही ईश्वर की पहली प्राथमिकता है, क्योंकि गरीब लोग ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं और धार्मिक आचरणों को अच्छी तरह से निभाते हैं। उन्हें ईश्वर पर भरोसा रखने के अलावा और कोई सहारा नहीं है, वे ईश्वर में ही पूरी तरह शरण लेते हैं। दूसरा आशीर्वचन, जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं वे खुशी मनाएंगे, क्योंकि नबियों के द्वारा पहले ही कहा गया है, जी हाँ, मसीह से प्राप्त की जाने वाली कृपा और आशीर्वाद यीशु के आने से अब सबको मिलता है। तीसरा आशीर्वचन के अनुसार, अपने देश वापस आने से पहले निर्वासित इसराइली अपने खोए हुए देश को पुनः प्राप्त करने की चिंता करते हैं। स्तोत्रकर्ता उन्हें यह आशा देते हैं कि वे ईश्वर पर भरोसा रखें और ईश्वर उनकी खोई हुई संपत्ति पुनः प्रदान करेगा। यहाँ नम्रता का तात्पर्य यह नहीं है कि जो आज्ञाकारी और नम्र स्वभाव के हैं, किंतु जो अन्याय के बोझ को सहते हुए विनीत भाव से ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। चौथा आशीर्वचन में धार्मिकता के बारे में कहा गया है। यहाँ पर धार्मिकता शब्द व्यक्तिगत धार्मिकता की ओर इंगित नहीं करता है, बल्कि गरीबों के प्रति न्यायबद्ध व्यवहार की ओर इंगित करता है। पांचवा आशीर्वचन दयालुता के बारे में कहता है। यहाँ दयालुता का अर्थ है कोमलता, अटल प्रेम एवं कृपा इत्यादि। इस दयालुता को मानवीय संबंधों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। दयालुता दूसरों की ओर हमारे व्यवहार में प्रकट होती है। ईश्वरीय दया में अनंत प्रेम का अनुभव होता है, जो हमेशा हमें क्षमा करने के लिए तत्पर रहता है। अतः दया आंतरिक धार्मिक भावनाएं नहीं, बल्कि दूसरों के साथ अनुकूल और पारस्परिक प्रेम संबंध है और सकारात्मक कार्यों से व्यक्त किया जाता है। छठवां आशीर्वचन में ईश्वर की आज्ञाओं के प्रति वफादारी और ईश्वर के न्याय के बारे में भी कहा गया है। जी हाँ, निष्कपट हृदय और एक निष्ठ मन से ईश्वर की उपासना करना ही शुद्धता है। कोई भी ईश्वर को देखने के बाद जीवित नहीं रह सकता, फिर भी जिनका हृदय निष्कपट है, निश्चित रूप से वे अपनी मृत्यु के बाद ईश्वर का दर्शन करेंगे। सातवां आशीर्वचन गरीबों को शांति का उपदेश देने के संदर्भ में आशीर्वचनों का तात्पर्य न केवल मेल मिलाप, लेकिन समाज में रहने वाले सब लोगों के सार्वांगिक कल्याण की चर्चा करता है। आठवां और नवां आशीर्वचनों में सताए जाने वाले लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है। वे यीशु के शिष्य हैं और धार्मिकता के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। पहले और आठवें आशीर्वचनों में स्वर्ग का राज्य पाने का वचन दिया गया है, क्योंकि गरीब और अत्याचार सहने वाले केवल ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। नवें आशीर्वचन में उस अत्याचार की ओर संकेत हो रहा है जिसे मती के समुदाय के सदस्यों ने अनुभव किया है। संत मती के समुदाय यहूदियों और गैर यहूदियों दोनों से सताए गए थे, जिसके बारे में ईसा ने पहले ही भविष्यवाणी की थी। प्यारे मसीह विश्वासियों, यीशु का
पर्वत प्रवचन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव ईश्वर पर भरोसा रखनी चाहिए। हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें कृपा प्रदान करे ताकि हम उनके वचनों को समझें और उनके अनुसार जीवन यापन करने की कोशिश करें। प्यारे मसीह विश्वासियों, विदा लेने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना कभी ना भूलें। ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। धन्यवाद।